नमस्कार दोस्तों आज मैं आपको काल के बारे में बताता हूँ प्रतिदिन कोई भी व्यक्ति जब शुभ कार्य करना चाहता है तो उसके लिए शुभ काल में वो शुभ कार्य करना चाहिए अशुभ काल में शुभ कार्य को करने के प्रयास नहीं करना चाहिए इससे उसकी सफलता के बजाय असफल होने की संभावनाएं ज़्यादा बढ़ जाती हैं जैसे काल में कोई भी शुभ कार्य और यात्रा नहीं की जा सकती व्यापार संबंधी और धन का लेन देन ना करें राहुल काल जो है वो अनिष्टकारी बताया जाता है काल का विवरण मैं आपको देता हूँ काल जो है वो रविवार को साए साढ़े चार से छः बजे तक होता है सोमवार को सुबह साढ़े सात से नौ बजे तक होता है मंगलवार को दोपहर तीन बजे से साढ़े चार बजे तक होता है बुधवार को दोपहर बारह बजे से डेढ़ बजे के बीच बीच होता है गुरुवार माने बृहस्पतिवार को दोपहर डेढ़ बजे से तीन बजे तक शुक्रवार को राहुकाल साढ़े दस बजे तक सुबह से लेकर के बारह बजे तक होता है और शनिवार को सुबह नौ बजे से लेकर के साढ़े दस बजे तक ये आपको मैंने राहु काल बता दिया है ये अशुभ समय माना जाता है इस अशुभ समय में किसी भी शुभ कार्य को नहीं करना चाहिए यात्रा भी नहीं करनी चाहिए कोई व्यापार संबंधी जन संबंधी आदि कार्य ना करें हाँ यदि कोई आपत्ति है एमरजेंसी है बहुत ज़रूरी है कि आप नहीं कर रुक सकते हो कार्य करना ही है तो फिर उसको आप कर सकते हैं उसके लिए कोई प्रतिबंध तो नहीं होती है बोला जाता आपत्ति काले है आपत्ति काली मर्यादा नाश्ति यदि विशेषता है ज़रूरी है अनिवार्य है नहीं डाल सकते आप तो उस काम को कीजिए धन्यवाद ओम